करौली से खबर है, बाइक रैली पर पथराव के बाद तनाव प्रकरण। मामले में अब तक 22 आरोपियों को किया जा चुका है गिरफ्तार। एसआईटी मान रही निर्दलीय पार्षद मतलूब अहमद को मुख्य आरोपी और पुलिस की ओर से दर्ज एफआईआर में भी बनाया गया है मतलूब को आरोपी, लेकिन अभी मतलूब अहमद फरार चल रहा है। ये तस्वीर भी आपको मतलूब की दिखा रहे हैं, जिसे मुख्य आरोपी पुलिस मान रही है। फिलहाल फरार है, लेकिन अभी सर्च लगातार जारी है। मतलूब की गिरफ्तारी के लिए दी जा रही है संभावित स्थानों पर दबिश, कई जगहों पर ढूंढा जा रहा है, दबिश दी जा रही है। मतलूब को मुख्य आरोपी पुलिस मान रही है। ये पूरा जो प्रकरण है वो करौली के नवसंवत्सर बाइक रैली से जुड़ा हुआ, जहां पथराव किया गया, और इसकी कई तस्वीरें सामने भी आने लगी हैं कि कितने पत्थर वहां पर इकट्ठे किए गए थे। पहले से प्लानिंग की गई थी और पहले से इसको लेकर एक जो कहानी है या एक प्लान जो है वो पहले ही गढ़ लिया गया था कि किस तरह से यहाँ पथराव करना है। लेकिन फिर जब पथराव किया गया, बचाव की कोशिश की गई और इस सब में आगजनी भी हुई और भारी नुकसान जो है वो देखने को मिला। हालांकि जब पुलिस पहुंची तो कंट्रोल भी किया गया और अभी कंट्रोल में स्थिति नजर आ रही है। लेकिन क्योंकि अब उन लोगों को पकड़ना जरूरी है जो इन सब के पीछे थे, और ऐसे में जो पुलिस है वो मुख्य आरोपी मतलूब अहमद को मान रही है, जो कि पार्षद।